हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर नम्रता। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से एक बहुत ही कॉमन समस्या के बारे में बात करूंगी। आज मैं सभी से बात करूंगी वॉमिटिंग के बारे में। वॉमिटिंग यानी कि उल्टी होना। वॉमिटिंग एक प्रकार का लक्षण होता है, ये कोई बीमारी नहीं होती है, जो कि बहुत सारे कारणों की वजह से हमको होती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करने की वजह से, इनडाइजेशन की वजह से, फूड पॉइजनिंग की वजह से, या फिर कोई GIT इन्फेक्शन हो गया है उसकी वजह से हमको वॉमिटिंग हो जाती है। होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिंस हैं जो वॉमिटिंग को ठीक करती हैं। साथ ही साथ वॉमिटिंग के साथ में जो अदर सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि जी मछली करना, पेट खराब रहना, पेट में दर्द होना, सर में दर्द होना, तो आज मैं आप सभी से कुछ होम्योपैथिक मेडिसिंस के बारे में डिस्कस करूँगी जो कि वॉमिटिंग पर बहुत ही अच्छे से वर्क करती हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें और मेरे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेते हैं वॉमिटिंग के बारे में। वॉमिटिंग के पहले पीछे कारणों के बारे में बात कर लेते हैं। तो कुछ GIT इन्फेक्शन होते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि क्रॉन डिजीज, गैस्ट्राइटिस, पेनक्रियाटाइटिस में, सेलिक डिजीज में, पेप्टिक अल्सर में, GERD में, मिल्क एलर्जी हो गई, या फिर कोई लीवर डिजीज़ है, या फिर हमारे इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, गॉल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन हो गया है जिसको हम कोलेसिस्टाइटिस बोलते हैं, या फिर मॉर्निंग सिकनेस में प्रेगनेंसी के टाइम पर वॉमिटिंग होती है, या फिर इनर ईयर में कोई प्रॉब्लम हो गई, जैसे मेनर्स डिजीज़, उसमें हमको वॉमिटिंग होती है, माइग्रेन में वॉमिटिंग होती है, BP PV में होती है, बिनाइन प्रॉक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो में होती है, या फिर कभी ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो मोशन सिकनेस उसको हम बोलते हैं, नहीं होती है। कुछ मेडिकेशंस होते हैं, कीमोथेरेपी होती है जिसकी वजह से हमको वॉमिटिंग होती है। तो ये कुछ मेन कारण थे जिसकी वजह से हमको वॉमिटिंग होती है। तो चलिए बात कर लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिंस के बारे में। तो आज मैं आप सबसे कुछ इफेक्टिव मेडिसिन के बारे में बात करूँगी। होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा नेचुरल होती हैं, सेफ रहती हैं, इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है और बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे से वर्क करती हैं वॉमिटिंग पे, और वॉमिटिंग से एसोसिएट सिम्टम्स में उस पर भी बहुत अच्छे वर्क करती हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन सी वो मेडिसिन रहेंगी। तो इसे नंबर वन मेडिसिन रहेगी इपिकैक। तो इपिकैक वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन होती है वॉमिटिंग की। इसमें आपको वॉमिटिंग के साथ साथ इंटेंस नोजिया रहता है कि आपका बहुत ज़्यादा जी मसलाता है, कॉन्स्टेंट आपको जी मछली का सेंसेशन होता है, साथ में आपको वॉमिटिंग होती है। तो ये वॉमिटिंग को ठीक करने में बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो इसमें जब हमको वॉमिटिंग होती है तो वाटरी फ्लूड निकलता है, हल्के हरे रंग का, पीले रंग का मैटर बाहर निकलता है, अनडाइजेस्टेड फूड साथ में रहता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में वॉमिटिंग हमको होती है। साथ में से पेट में आपको दर्द भी होता है और आपको भूख बिल्कुल नहीं लगती है और जीभ आपकी बिल्कुल क्लीन रहती है। तो इस तरीके के लक्षण हैं, तो आप इपिकैक ले सकते हैं। और उसके बाद सेकंड मेडिसिन रहेगी आर्सेनिक। तो आर्सेनिक भी बहुत अच्छी मेडिसिन होती है वॉमिटिंग की, खासतौर से अगर आपको फूड पॉइजनिंग हो गई है या फिर अगर आपके पेट में इन्फेक्शन हो गया है तो उस पर आर्सेनिक बहुत अच्छे से वर्क करती है। साथ ही पेट में बहुत ज़्यादा जलन रहती है और अगर आपको फूड पॉइजनिंग की वजह से वॉमिटिंग हो रही है तो आपको डायरिया भी हो सकता है, लूज मोशन हो रहा है, साथ में पेट में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, उल्टी आपको बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उस पर आप आर्सेनिक ले सकते हैं। तो आर्सेनिक 30 की 2-2 बूंद को दिन में 3 से 4 बार आप लीजिए, डेफिनेटली आपको अपने वॉमिटिंग में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन रहेगी वेरेट्रम एल्बम। तो इसमें वेरेट्रम एल्बम भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होती है। इसका जो इंडिकेशन होता है कि अगर आपको वॉमिटिंग के साथ साथ नौजिया लगातार बना हुआ हो, पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन रही है, बहुत ज़्यादा आपको कमजोरी लग रही है और वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ होती है, जैसे ही आप कुछ खाएंगे या पीते हैं वॉमिटिंग आपको हो जाती है, और इसमें साथ ही साथ जब आपको वॉमिटिंग आ रही होगी तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, ठंडा पसीना आता है, वॉमिटिंग जैसी कंडीशन देखने को मिल रही है कि उल्टी के साथ में आपको लूज मोशन भी हो रहे हैं, उल्टी वक्त करते वक्त आपको बहुत ज़्यादा फेंटिंग लग रही है, तो ऐसे में आप वेरेट्रम एल्बम ले सकते हैं। वेरेट्रम एल्बम 30 में लीजिए, इसकी आपको सिम्टम्स वार्स हैं तो 1-1 घंटे पर रिपीट करिए। उसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन रहेगी इसमें कोलोसिन। तो कोलोसिन भी वॉमिटिंग की बहुत अच्छी मेडिसिन होती है, खासतौर से अगर आपको वॉमिटिंग के साथ साथ पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, पेट में मरोड़ हो रही है, बहुत ज़्यादा ऐठन हो रही है और अगर आप आगे की तरफ अगर झुकते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल जाता है, तो ऐसी कंडीशन में कोलोसिंथ ले सकते हैं। तो कोलोसिंथ 30 पोटेंशियम लेना, कोलोसिंथ 30 की 2-2 बूंद को दिन में 3 से 4 बार आप लीजिए, डेफिनेटली आपको आप सिम्टम से बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन रहेगी वो रहेगी सीपिया। तो सीपिया स्पेशली प्रेगनेंट फीमेल्स पे बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस रहता है, जैसे आप सो करके उठते हैं आपका जी मछली करता है, खाना देखते आपको उल्टी हो जाती है, खाने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं होती है,
आपको उल्टी हो जाती है, तो मुंह से कड़वा पानी ही आता है, तो ऐसी कंडीशन में आप सीपिया लीजिए। सीपिया 30 की दो दो बूंद को दिन में 3 से 4 बार आप लीजिए, डेफिनेटली आपको वॉमिटिंग में बहुत ज़्यादा रिलीफ नेक्स्ट मेडिसिन मिलेगा। रहेगी कॉकलस इंडिका। तो कॉकलस इंडिका मोशन सिकनेस की बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। आप जब ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं बस से या बाई कार या फिर ट्रेन में आप सफ़र कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में अगर आपको नौजिया वॉमिटिंग होती है, जी मछली करता है, उल्टी होती है, तो उस कंडीशन में आप कॉकलस इंडिका ले सकते हैं। कॉकलस इंडिका 30 में लेनी है। कॉकलस इंडिका 30 की दो दो बूंद को दिन में 3 से 4 बार आप लीजिए, डेफिनेटली आपको अपने वॉमिटिंग में बहुत ज़्यादा रिलीफ उसके मिलेगा। बाद उसके नेक्स्ट बाद मेडिसिन रहेगी रुबेनिया। तो रुबेनिया भी वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन होती है उल्टी की। तो इसका इंडिकेशन होता है कि अगर आपको एसिडिटी के साथ में उल्टी हो रही हो, आपको बहुत ज़्यादा सीने में जलन हो रही है, पेट में बहुत ज़्यादा जलन हो रही हो और आपको बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही हो, तो उस कंडीशन में आप रुबेनिया ले सकते हैं। अगर आपको गैस्ट्रिक अल्सर की प्रॉब्लम है, उसके साथ आपको वॉमिटिंग हो रही है, तो आप रुबेनिया लीजिए, डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। तो रुबेनिया 30 पोटेंशियम लेनी है। रुबेनिया 30 की दो दो बूंद को दिन में 3 से 4 बार आप लीजिए, डेफिनेटली आपको अपने वॉमिटिंग में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन रहेगी एथूजा। तो एथूजा बच्चों पे बहुत अच्छे से वर्क करती है। जिन बच्चों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है कि दूध पीते ही उनको वॉमिटिंग हो जाती है, डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं उसके बाद उनको वॉमिटिंग हो जाती है, तो आप उस कंडीशन में एथूजा ले सकते हैं। तो एथूजा 30 की दो दो बूंद को दिन में 3 से 4 बार अपने बच्चों को दीजिए, डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा सिम्टम्स में रिलीफ मिलेगा। उसका नेक्स्ट मेडिसिन रहेगी पल्सेटिला। तो अगर आपको ऑयली स्पाइस ऑयली फूड खाने के बाद, तली हुई चीज़ें खाने के बाद अगर आपको उल्टी हो जाती है, जी मछली करता है और डेयरी प्रोडक्ट्स खाते हैं, कोई भी फैटी फूड्स खाते हैं जैसे कि केक, पेस्ट्री, आइसक्रीम, ये सारा खाने से आपको वॉमिटिंग होने लगती है, साथ में आपको लूज मोशन भी होने लगते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप पल्सेटिला लीजिए, डेफिनेटली आपको अपने सिम्टम्स में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन रहेगी फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस का इंडिकेशन होता है जब कभी आपको वॉमिटिंग में ब्लड आ जाए, उल्टी करते समय आपके मुंह से ब्लड भी आ जाए, तो उस कंडीशन में आप फॉस्फोरस ले सकते हैं। फॉस्फोरस 30 की दो दो बूंद को दिन में 3 से 4 बार आप लीजिए, डेफिनेटली आपको सिम्टम्स में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन रहेगी चेलिडोनियम। तो अगर आपको गॉल ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन है या फिर आपको लीवर से कोई लीवर में कोई इशू है, उसकी वजह से अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है, तो उस पर चेलिडोनियम बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो चेलिडोनियम 30 की दो दो बूंद को दिन में 3 से 4 बार आप लीजिए, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। उसका नेक्स्ट मेडिसिन रहेगी आयरिस वर्सिकुलर। तो आयरिस वर्सिकुलर भी नोज़िया की बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। तो आपको अगर सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, सर में दर्द होने के साथ साथ आपका बहुत ज़्यादा जी मस्ती कर रहा है, आपको उल्टी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उस कंडीशन में आयरिस वर्क बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो आयरिस वर्क 30 की दो दो बूंद को दिन में 3 से 4 बार दीजिए, डेफिनेटली आपको अपने सिम्टम्स से बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ टॉप ग्रेडेड होम्योपैथिक मेडिसिंस जो कि वॉमिटिंग पे बहुत अच्छे से वर्क करती हैं। इन दवाइयों को अपने लक्षणों के हिसाब से ले सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो सभी को पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल वेरी गुड हेल्थ।